पहली तस्वीर में है पंजाब का अलगाववादी नेता अमृतपाल और दूसरी तस्वीर में है एक आईपीएस जो नौकरी छोड़कर राजनीति में ज्वाइन करता है, वो तमिलनाडु के हैं, ए अन्नामलाई। असम की जेल में बंद अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहिब से चुनाव लड़ा। अमृतपाल ने जेल से ही पर्चा भरा, प्रचार के लिए बाहर भी नहीं आया। इसके बावजूद 1,78,000 वोटों से जीत चुका है और सांसद बन गया। अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष है, कोयम्बटूर सीट से चुनाव लड़े, दिन रात प्रचार किया, खूब जन समर्थन भी मिला, लेकिन अन्नामलाई 1,00,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। अमृतपाल पर एनएसए लगा है, खालिस्तानी चरमपंथ को हवा देने का आरोप भी है। जनता ने अपने वोटों की बदौलत अब अमृतपाल को माननीय बना दिया। दूसरी तरफ अन्नामलाई को सारी योग्यताओं के बावजूद खारिज कर दिया गया। मतदाता के मिजाज को लेकर एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है, आखिर वोटर क्या देखकर वोट करता है, चुनाव में उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार या कुछ और। वोटर क्या सोचकर वोट देता है, इसकी एक बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश में भी सामने आई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर घट गया। देश में मोदी की लोकप्रियता को चुनौती नहीं दी जा सकती। मोदी ने काशी का विकास भी खूब किया, फिर भी उनकी जीत का अंतर घट गया। आखिर क्यों? मतदाता के मन में क्या चलता है ये कोई नहीं जानता। विकास से निहाल हो या समस्याओं से बेहाल, चुनाव में बूथ पर जाकर वोट किस पार्टी के पक्ष में बटन दबा दे ये कुछ नहीं पता। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ही देख लीजिए, 7 साल से संगठित अपराध पर बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर के ढेर से अपराधी मारे मारे फिरते हैं। सरकार यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश घोषित भी कर चुकी है। डबल इंजन वाली सरकार में अयोध्या का कायाकल्प हुआ, लेकिन अयोध्या में वोटर ने बीजेपी को ही नकार दिया। अयोध्या के आसपास की सभी सीटें भी समाजवादी पार्टी ने जीत ली, जिसके खिलाफ बीजेपी ने यह मुद्दा बनाया था कि वो रामलला के दर्शन करने भी नहीं आई। ऐसी ही हालत यूपी ने अखिलेश की भी की थी। 2017 अखिलेश यादव को भी हैरान कर चुका है। अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ में मेट्रो ट्रेन दौड़ा दी, बिजली उत्पादन बढ़ा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इसके बावजूद वोटर ने बटन दबाकर अखिलेश यादव की विदाई करा दी। हालांकि वो जनता के सामने काम बोलता है वाले नारे के साथ चुनाव में उतरे थे, लेकिन 12 साल बाद वोटर बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी पर कैसे मेहरबान हो गया, इसका जवाब यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से सुनिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। तो क्या ये माना जाए कि वोटर के लिए सरकार का काम क्षेत्र में विकास, सख्त कानून व्यवस्था और अपराधियों पर एक्शन मायने नहीं रखता? विकास और लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद बीजेपी को दरकिनार करने वाला यूपी का वोटर किस बात से परेशान था? दावा है पेपर लीक, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, बढ़ती महंगाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मुद्दों पर बात ना कर भटकाने की राजनीति से वोटरों में संदेश गया कि बीजेपी बहकाकर वोट लेती है और चुनाव जीत जाने के बाद सुध नहीं लेती। बेरोजगारी की समस्या पर चुप्पी बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। इसके साथ ही विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी 400 पार हुई तो आरक्षण को खत्म कर देगी, ये दावा भी लोगों के मन में घर कर गया। जाहिर सी बात है कि बीजेपी हिंदुत्व के प्रचार के शोर के सहारे शॉर्टकट से 400 सीट जीतने के सपने देख रही थी, लेकिन पब्लिक अपने से जुड़े मुद्दों पर जवाब चाहती थी। बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस पर ठोस जवाब ना मिलना वोटरों को चुभ गया और उधर अखिलेश और राहुल इसी को हर रैली में भुना ले गए। इस खबर में इतना ही, आपके क्या व्यूज हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।